Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! प्यार किया तो डरना क्या, शायद इस बात से श्रद्धा शर्मा सहमत नहीं है. आखिर क्यों करती हैं वो अपने रिलेशनशिप्स को कैमरा पर डिनाई? इज शी रियली राखी सावंत एंड श्वेता तिवारी बॉयफ्रेंड स्नैचर? Well, on Almost Famous, we are going to catch her. Kya sach to kya jhoot, so soft-spoken and yet so controversial. Let's get close and personal with Shraddha Sharma. श्रद्धा, वेलकम टू ऑलमोस्ट फेमस. थैंक यू. तो श्रद्धा, आप यहाँ पर आई हैं, आपका नाम तो श्रद्धा शर्मा है, एंड यू ऑलरेडी नोन एज श्रद्धा शर्मा बिफोर यू वेंट इन टू रियलिटी टीवी. बट सडनली अब जब यहाँ पे आप सामने बैठी हैं तो मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है, एंड दैट इज जलेबी बाई. तो हाउ कम यू बिकेम सो फेमस एज जलेबी बाई? बिग बॉस घर के अंदर जाने से पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा था कि आई एम मच मोर सेक्सियर देन मलिका शेरावत. And everybody was like, अरे श्रद्धा ऐसा कैसे बोल सकती हो, ऐसा इंटरव्यू कैसे दे सकती हो. तो मैंने कहा कि मैं इसका जवाब बहुत जल्दी दूंगी आप लोगों को. You'll prove it. Yeah, I'll prove it. और then this Jalebi Bhai happened. And everybody was like, wow, तुम्हारा इंटरव्यू सच गया. तो आप तो खुश हो रही हैं. How do you think मलिका शेरावत is feeling? बिचारी का गाना छिन गया है, उसकी पूरी एक इमेज छिन गई है Jalebi Bhai की. ये तो आपको मलिका जी से पूछना चाहिए. I wonder how her reaction is going to be. I don't know, maybe नाराज़ हो जाएंगी मुझसे, कुछ ऐसा होगा. श्रद्धा, मैंने कहीं पर सुना जब आप एक दिन कह रही थी कि यू ग्रो अप विदाउट पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं श्रद्धा शर्मा, शी इज़ वन आइटम गर्ल, शी इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल गर्ल, शी इज़ अ सेलिब्रिटी, यू नो, वन प्रिटी सेक्सी वुमन इन रिवीलिंग क्लोथ्स. सो वॉट इज़ योर रियल स्टोरी, एंड आई मीन वेन डिड यू लूज योर पेरेंट्स? आपका बचपन कैसे रहा? आप बॉलीवुड में कैसे आ गए? इट्स नॉट ईजी हियर टू मेक इट फॉर अ सिंगल पर्सन हु हैज़ नो फैमिली टू सपोर्ट हर. मेरे मम डैड साथ में नहीं थे, वो लोग अलग हो गए थे. हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? 12-13. और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी मदर की डेथ हो गई. तो आप कहाँ रहते थे तब? फैमिलीज अहमदाबाद. ओके. मदर की डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी, काफ़ी अकेली रहने लगी थी. आई कैन इमेजिन. या लोगों से बात नहीं करती थी, मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी वो मेरी ज़िंदगी की, लेकिन भगवान ने बहुत साथ दिया. तो आप कहाँ रही आफ्टर योर मदर पास्ट अवे? यू लॉस्ट योर मॉम. आपके डैड ऑलरेडी आपसे सेपरेट हो चुके थे. आई स्टेड एट काठमांडू फॉर मेनी इयर्स. ओके. देन आई हैव स्टेड एट थाना, नाउ इन मुंबई. तो आपने शोबिस की तरफ कदम कैसे रखा? डिड यू ऑलवेज नो यू आर गोइंग देयर इवन एज अ चाइल्ड, की जस्ट बाय फ्लूक हो गया? No, I started modeling when I was in Thana. I did few ad films. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मुझे पहला सीरियल मिला, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो आपने मॉडलिंग जो की है काफ़ी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स के लिए की है, बट जहाँ तक आपकी मूवीज हैं या आपके यू नो टी वी सीरियल्स हैं, वहाँ पर समवेयर कॉम्प्रोमाइज किया गया है. डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट? देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ? इमोशनली मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में. अभी भी? हाँ, अभी भी. जहाँ पे एक लड़की है जो इतनी वल्नरेबल है, वो जाके राजा के हाथों में फंस गई. हाउ डिड दैट हैपन? डू यू थिंक इट्स बिकॉज यू वर इमोशनली वीक, यू वर अलोन? या आई वॉज इमोशनली वीक, वेरी वीक. आई यूज टू फील वेरी लोनली. राजा के साथ जो भी हुआ, मेरी दोस्ती हुई, राजा वॉज वेरी नाइस टू मी इनिशियली, एंड लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी ज़िंदगी में, पर मुझे एज अ फ्रेंड उसने हमेशा बहुत सपोर्ट किया. डू यू डिनाई दैट यू वर इन अ रिलेशनशिप विद राजा चौधरी? व्हाई शुड आई डिनाई? आई वाज इन अ रिलेशनशिप. लेकिन आप पर तो यहाँ तक एलिगेशंस लगी हैं कि श्वेता तिवारी का घर ही आपने तोड़ा, कि दे वर मैरिड अंटिल यू केम अलोंग, एंड इसीलिए राजा और श्वेता की मैरिज टूट गई. व्हाई विल आई डू दैट? सी, बीइंग अ वुमन, मैं क्यों किसी और औरत का घर तोड़ूंगी? आई नेवर डू दैट. जब राजा और मैं मिले, वी बोथ वेयर सिंगल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. श्वेता और राजा का तो डिवोर्स चल रहा था कोर्ट में, दे वर सेपरेटेड. तो जो भी ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है. लेकिन जब आप बिग बॉस में गई तो आपने नेशनल टीवी पर डिनाई किया कि आप राजा की गर्लफ्रेंड हैं या आपका कोई भी उनके साथ लिंक है या रिलेशन है. व्हाई डिड यू चूज टू डिनाई इट? आपने यहाँ तक क्लेम किया अपनी इंटरव्यूज़ में
कि आपके लाइफ में एक नया आदमी है. I never said कि I'm dating someone or ऐसा वैसा. लेकिन आप बोल कुछ रही थी, लेकिन सोच कुछ रही थी. तो what were you thinking when you were saying that? You want to know who is my new boyfriend? Yes, I want to know who's this new boyfriend. See, my work is my new boyfriend. Oh. Seriously, I only and only want to concentrate on work. जब आप entry ले रही थी Big Boss House के अंदर, तो तब जब सलमान और संजय दत्त ने आपसे पूछा अबाउट राजा चौधरी, तो आपने तो नेशनल टीवी पे बिल्कुल डिनाई कर दिया. एंड राजा चौधरी वाज सिटिंग आउटसाइड गिविंग स्टेटमेंट्स दैट वी आर स्टिल टुगेदर. सो वर यू टू एम्बैरस्ड टू से इट ऑन टीवी, ऑन नेशनल टीवी, टू ओन अप टू द रिलेशनशिप? या फिर आपको लगा कि सिंगल इमेज इज बेटर, या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? व्हाई डिड यू डिनाई द रिलेशनशिप? नहीं, राजा और मेरे बीच एक चीज बहुत ही क्लियर की है मैंने. आई वॉन्ट राजा टू चेंज. Okay. उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. जैसे कि? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उसमें पसंद नहीं हैं. अगर वो नहीं बदलते हैं तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे की ज़िंदगी. सो आर यू स्टिल विद राजा? नो. बट आर यू विलिंग टू गिव हिम अ सेकंड चांस इफ ही चेंजेस? सी, राइट नाउ आई ओनली वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर. ओके. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि यू नो आई वॉन्ट पीपल टू लव मी. एंड यू नो अभी तो बिग बॉस हुआ है, आई वॉन्ट टू डू more and more shows and अभी तो शुरुआत है. एक जो आपकी rival हैं, भोजपुरी actress हैं, जो claim करती हैं कि वो राजा चौधरी की बहुत ही अच्छी friend हैं, निशा यादव, उन्होंने आप पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं कि यू वर टू टाइमिंग राजा एंड यू वर थ्री टाइमिंग राजा एंड दैट राजा इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड बिकॉज ऑफ द चीटिंग दैट यू वर डूइंग विद हिम, इसलिए वो आपके साथ वायलेंट हो गए, इसलिए यू नो वो जैसे थे वैसे थे आपके साथ. इज़ दैट ट्रू? आई रियली डोंट नो हु दिस निशा यादव इज़. टू टाइमिंग और थ्री टाइमिंग ये क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइए. मतलब कि आप राजा चौधरी के साथ हैं और फिर आपका एक कोई सेकेंड बॉयफ्रेंड है और फिर थर्ड बॉयफ्रेंड है व्हाइल यू स्टिल विद राजा चौधरी. मतलब तीन चार बॉयफ्रेंड होना बुरी बात है एक साथ? ऐसे निशा यादव कह रही है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरी बात है. मेरी तरफ से यू कैन कीप हाफ अ डजन और वन डजन. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी किसी के साथ शादी नहीं हो जाती है तब तक उतना सीरियस नहीं होना चाहिए. कमिटमेंट? हाँ. बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज दैट इफ यू आर नॉट मैरिड देयर इज नो कमिटमेंट इशू, तो यू आर फ्री टू डेट व्होएवर यू वांट. इफ यू आर कमिटेड, अगर आपको पता है कि इस लड़के से आप शादी करने वाले हो, देन यू हैव टू बी कमिटेड और नहीं. लेकिन अगर आपको पता है कि बाबा आगे कुछ होने वाला नहीं है, so it's better to you know have friends and I'm keep not keep your options open. Options open always. Always. Okay. श्रद्धा, आप शक्ति कपूर के बारे में इतनी फॉन्डली बात करती हैं एंड जब शो में थी तो यू आर फॉलोइंग हिम लाइक अ पूडल एवरीवेयर. और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने कहा कि श्रद्धा शर्मा वॉज मेकिंग पासिस एट मी, एडवांसेज एट मी. तो कहीं पर मुझे केमिस्ट्री हिस्ट्री कुछ समझ नहीं आई. शक्ति जी ने अगर ऐसा कहा है तो शक्ति जी को शर्म आनी चाहिए, मैं कहूँगी. वो ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी भी लड़की के बारे में? अगर आपने बिग बॉस के एपिसोड्स देखे होंगे तो जितना मैंने उनका साथ दिया है बिग बॉस घर के अंदर, शायद किसी और ने उनका इतना साथ नहीं दिया और ना कोई दे सकता था. एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि श्रद्धा यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. तो मैंने कहा शक्ति जी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा श्रद्धा कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, मेरी कमर में दर्द हो जाता है और इस उम्र में तो मैं कपड़े धो नहीं सकता. बेटर आई लीव दिस हाउस एंड आई गो अवे. एंड तो आप विश्वास करेंगे मैंने उनके कपड़े धोए अंडरवेयर तक. वो नहीं, लेकिन मैंने उनके कपड़े इसलिए धोए कि बेचारे शक्ति जी उनकी कमर में दर्द हो जाएगा, वो इतने बुजुर्ग हैं. ये सोचकर मुझे किचन दिया गया था कि श्रद्धा खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो तो तुम किचन में रहोगी. हर तरह की लड़ाई एक अंडे के पीछे होती थी वहाँ पे, और शक्ति जी बिना अंडे के खाना नहीं खाते थे. उनके लिए मैं अंडे निकाल निकाल के अलग रखती थी और इस कारण सब लोग मुझसे लड़ते थे. उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप श्रद्धा हैं, उनकी बेटी का भी नाम श्रद्धा है और बेटी जैसी हैं, बट पूरा इल्ज़ाम तो आप पर लग ही गया. हाँ, तो मुझे लगता है कि शक्ति जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं मुझसे उम्र में, मेरे दादाजी की उम्र के होंगे, तो उनको 10 बार सोचना चाहिए ऐसा कहने से पहले. और मैंने उनका साथ अंदर जो भी दिया वो इसलिए दिया कि मुझे लगा कि ये बुज़ुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं, इसलिए दिया. और मुझे नहीं पता था कि बाहर आकर वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर. वेल, इल्ज़ाम लगाने पर बात कर रहे हैं तो राखी सावंत ने तो आपको बॉयफ्रेंड चोर तक कहा है, बिकॉज आपने उनका बॉयफ्रेंड छीन लिया था उनसे. राखी है सच अ बिग माउथ ना, वो कुछ सोचती नहीं, समझती नहीं और बोल देती है. शी नीड्स अ साइकेट्रिस्ट. आपने भी तो कहा था राखी के बारे में कि वो अभिषेक को गंदी तरह ट्रीट करती हैं, उसे एक सर्वेंट की तरह रखती हैं. ये अभिषेक ने मुझे बोला. ओके. कि राखी का बिहेवियर बहुत गलत है मेरे साथ और वो ऐसा करती है वैसा करती है. लेकिन बेचारी राखी सावंत की तो आपने लव लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी उस चक्कर में. राखी की लव लाइफ डिस्ट्रॉय होनी थी उस लड़के के साथ. जो लड़का आपका बॉयफ्रेंड है
और वो किसी और लड़की को लाइन मार रहा है, तो उसके साथ रहने से वैसे भी फ़ायदा क्या है। तो राखी जब मुझसे मिली तो मैंने उसे बताया कि राखी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊँचा करो, क्योंकि यू आर सच अ प्रिटी गर्ल एंड यू आर सच अ वंडरफुल डांसर, तो यू डिजर्व अ गुड बॉयफ्रेंड एंड व्हाट द हेल यू आर डूइंग विद योर लाइफ। एंड शी वाज लाइक ओ। जब डायरेक्टर ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। जब ये फिल्म मैंने साइन की तब मुझे पता था कि 40 किस सीन भी हैं और 4 लव मेकिंग सीन्स भी, सो आई वॉज क्वाइट ओके विद दैट। मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा मैं ये रोल कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। प्रेजेंटिंग द ऑलमोस्ट फेमस। इतने सारे कॉन्टेस्टेंट्स वहाँ पर थे, कहीं ना कहीं हर कोई एक ग्रुप में बैठा हुआ था एंड कोई झगड़ा कर रहा था, कोई गालियाँ निकाल रहा था। यू मोस्ट ऑफ द टाइम वर क्वाइट काम एंड कंपोज्ड एंड येट आई डोंट थिंक देर इज़ एनी बडी जिन्होंने आप पे ऊपर अटैक नहीं किया, वाई इज़ दैट? देखिए वहाँ पे एक ग्रुप तो बन रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे और आपस में लोग झगड़ा भी कर रहे थे, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि मुझे रीज़न समझ में नहीं आता था कई बार झगड़ों का। मुझे लगता था कि लोग जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं। कई बार मैं पूछती भी थी जब वो झगड़ा खत्म हो जाता था कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, ये तो इतनी कोई खास बात है नहीं। हम लोग सोचते थे इट्स लाइक श्रद्धा शर्मा किस दुनिया में है, एवरीबडी इज ऑन वन प्लैनेट एंड शी इज ऑन अनदर। सडनली इट्स लाइक इतना सब कुछ हो रहा है एंड यू वुड कम इन इनोसेंटली आस्क समथिंग एकदम सॉफ्ट वॉइस में एंड यू नो वी वर लाइक वंडरिंग आर यू दैट स्मार्ट और आर यू दैट डम, सो वेयर वर यू? स्मार्ट भी हूँ, डम भी हूँ, आई एम मिक्सचर ऑफ बोथ, यू नो। मैंने लाइफ में एक चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने से भी कुछ होता नहीं है, आपको सॉफ्ट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए आपको। इफ़ टू पीपल आर फाइटिंग और मैं बीच में जाऊँ और इम्पॉर्टेंट बनने की कोशिश करूँ, नहीं, आई विल नेवर डू दैट। उसके बदले में मैं ये करूँगी कि जब झगड़ा खत्म हो जाएगा देन आई विल कम टू देम और मैं पूछूँगी क्या हुआ, लेट्स सॉल्व दिस, आई मीन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। There is not even one person who has come out and said that they did not have a problem with Pooja Mishra. और जहाँ तक आपकी इंटरव्यूज रही हैं और जहाँ तक आपने कुछ कहा है, आपने पूजा मिश्रा की तारीफ किया एंड यू सेड शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, शी इज़ अ नाइस पर्सन, व्हाई आर यू द ओनली पर्सन सेइंग दैट अबाउट हर? आप लोग इस तरह के सवाल करोगे तो पता चला मैं जब यहाँ से घर जाऊँगी तो पूजा मिश्रा दरवाजे पे खड़ी है डंडा लेकर, टिंग टोंग, अब घंटी बजेगी एंड देयर इज पूजा मिश्रा, आई डोंट थिंक उन्हें पता चला मुझे पकड़ के मार रही है बिल्डिंग में। नो आई थिंक आपके पास एक वेपन है, आप सिर्फ कह देना स्पेयर मी। कई बार मुझे पूजा मिश्रा से बहुत डर लगता है। आपने घर में देखा होगा हम लोग 15-16 लोग थे, एक पूजा मिश्रा को ही क्यों टारगेट किया जाता था? क्यों? इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंपल थी। अभी पूजा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा हाइपर है, अगर उसकी थोड़ी भी बुराई करोगे या उसके बारे में गलत बोलोगे रिएक्ट करती है, शी ओवर रिएक्ट्स, दैट इज व्हाट पूजा'स प्रॉब्लम इज, पूजा मिश्रा'स प्रॉब्लम इज। आई एम ग्लैड यू स्पेसिफाइड। श्रद्धा आप तो जहाँ पे भी जाती है वहाँ पे धमाके कर देती है, यहाँ तक कि आप अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं तो एयरपोर्ट पर भी एक्सप्लोजन हो जाता है। आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था एक प्राइवेट एयरलाइन के साथ जहाँ पे कुछ यू नो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो एयरलाइन ऑफिशियल ने आप पर ताना कसा कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के पास इतने बड़े बड़े पैसे कहाँ से आ जाते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए एक तो मेरा सामान चोरी हो गया, मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रही थी और बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि मेरा बैग खुला हुआ है और उसमें से मेरा कैमरा, मेरा डेबिट कार्ड, मेरा मोबाइल फ़ोन और थोड़ा सा कैश, वो चोरी हो गया। बॉम्बे एयरपोर्ट पर मैं इतना रोई, कोई भी ऑफिसर नहीं आया, नो बडी वॉज इंटरेस्टेड। आपको पता है पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। तो आज पिछले 3 साल से ये केस चल रहा है और हर डेट पे मुझे जाना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ मेरे साथ हुई, इसमें मेरी कहाँ गलती, मैंने तो किसी को नहीं बोला कि मेरा सामान चोरी करो। और उसके बाद लिखा जाता है कि श्रद्धा के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई, ये हो गई। जब हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो आई थिंक योर होल राइज टू फेम स्टार्टेड विद द कंट्रोवर्सी लॉन्ग बैक, जब आप साउथ की फिल्म कर रही थी और एकदम सनसनी खबर आई कि एक हॉट बॉम्बशेल ये मूवी कर रही है जिसमें 40 किसिंग सीन्स हैं और 5 लव मेकिंग सीन्स हैं एंड शी इज गोइंग टू टेक ऑफ मोस्ट ऑफ हर क्लोथ्स फॉर द मूवी एंड ओवरनाइट सेंसेशन बन गई आप। यू वर प्लेइंग अ निम्फोमेनियाक। या फॉर व्यूअर्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, निम्फोमेनियाक इज अ वुमन हु इज क्रेजी अबाउट सेक्स। या जब डायरेक्टर ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मुझे पहली बार पता चला कि निम्फोमेनियाक लोग कैसे होते हैं। कैसे होते हैं?
बहुत ही अजीब होते हैं, ऑल द टाइम दे थिंक अबाउट सेक्स. मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा मैं ये रोल कर सकती हूँ, व्हाई नॉट. मैं अपने डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ बहस नहीं करती, जो वो बोलते हैं मैं चुपचाप ओके सर, इफ़ यू फील कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्क्रिप्ट आई हैव नो प्रॉब्लम. क्योंकि जब ये फिल्म मैंने साइन की तब मुझे पता था कि 40 किस सीन भी हैं और 4 लव मेकिंग सीन्स भी, सो आई वॉज क्वाइट ओके विद दैट. और निम्फोमेनिया क्यों नहीं, अगर ये फिल्म शुरू हुई और मुझे अगर 40 किस सीन्स करने पड़े तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. आपका जो मैल फंक्शन हुआ था जहाँ पर आप टॉपलेस हो गई थी एंड यू कंटिन्यू डांसिंग कवरिंग योर सेल्फ विद योर हैंड, उसके बाद आपने काफ़ी ग्रेस से या काफ़ी बोल्डनेस से एक्चुअली वो सिचुएशन को हैंडल किया, यहाँ तक कि आपने कह दिया कि इफ़ याना इज़ द पैंटीलेस और द नो पैंटी गर्ल एंड द नो ब्रा गर्ल. आई अगेन से इफ याना इज़ अ नो पैंटी गर्ल आई एम अ नो ब्रा गर्ल, व्हाट अ बिग डील अबाउट इट. एक सवाल का जवाब मैं एक बार दे सकती हूँ, दो बार दे सकती हूँ, 4-5 बार भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे पीछे ही पड़ जाए यू नो कि बाप रे बाप 24 घंटे वही सवाल लोग फ़ोन कर करके मुझसे पूछ रहे हैं, तो ठीक है यार, अब वो हो गया. आई मीन उस टाइम सिर्फ 2-3 लाइंस बची थी मेरे एक्ट में, मुझे लगा कि वो मैं ख़त्म करके यू नो एक्ट को अच्छे से ख़त्म करके एंड यू नो देन मैं बीच में नहीं भागना चाहती थी. देवर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. उसके बाद मीडिया वॉज लिटरली आफ्टर मी एज इफ आई हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग. सी डिज़ाइनर ने ड्रेस दिया, उस ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हाउ कैन यू ब्लेम मी. आई मीन मैंने तो कोई गलती नहीं की, उल्टा मैंने तो ऑर्गेनाइजर्स को बचाया. हाँ, लेकिन आपके कपड़े उतरने के बावजूद उसके बाद भी आप डांस करती रही, तो दैट्स वेयर द डिज़ाइनर्स रोल एंडेड. सी आई फेल्ट के 2 लाइंस बची हैं और मैं उन 2 लाइंस को ख़त्म करूं और फिर स्टेज से उतरूं. प्रेजेंटिंग द ऑलमोस्ट फेमस. श्रद्धा, आपका करियर, इज इट लुकिंग बेटर देन बिफोर? एनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर करियर? देखिए, आई हैव जस्ट साइंड अ फिल्म, अभी शूटिंग की हमने, सर फरोशी. ओके, इट्स अ बॉलीवुड फिल्म. इट्स अ बॉलीवुड फिल्म एंड आई एम प्लेइंग द मेन लीड. जब रिहर्सल पे गई तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि श्रद्धा, व्हाट फिल्म्स यू हैव साइंड, एंड आई सेड नो नो आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू लीड रोल्स. एंड सो दे वर लाइक ओ And what kind of a role you wanted to do? And I was like, bubbly jaise characters mujhe karne. Okay. And they said, oh, hamari jo film hai, usme to isi tarah ka hai. To aap karengi? We want to give. So, aapka jadoo aksar mardon par chal jata hai. Like I told you even before, ki dusron ke boyfriends bhi aapke piche bhagte hain. To aapki Salman Khan ke saath kya equation rahi hai? Oh God. I really like Salman Khan. In what way? He has such a wonderful smile, and he's gem of a person. He's a honest guy, straightforward. आपको पता है जब स्टेज पे मेरा इंट्रोडक्शन एक्ट ख़त्म हुआ, डांस जब ख़त्म हुआ, तो उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, वो जलेबी. मैं ब्राह्मण लड़की हूँ, हम लोगों में माना जाता है कि जब किसी भी काम की शुरुआत आप मीठा खा के करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. तो देखो, उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और मैं कितना आगे तक बिग बॉस में गई है ना, वो चाहते थे कि मैं बिग बॉस जीतूँ. सीरियसली, तभी तो उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई. उन्होंने आपको जलेबी खिलाई. तो अब हमारे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे अगर यहाँ से मैं आपको जाने दूँ विदाउट डूइंग योर जलेबी बाई. सो एक बार एक थोड़ा सा झटका मटका एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दे. बिल्कुल. वेल श्रद्धा, दैट वाज ब्रिलियंट, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मुझे मल्लिका शेरावत पर बहुत तरस आ रहा है. दिस इज योर सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर आवर व्यूअर्स एंड इट्स वंडरफुल इंटरव्यूइंग यू ऑन ऑलमोस्ट फेमस. थैंक्स टू यू सिमी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.